मेरा हर वो दोस्त या यूं बोलूं तो बाबा जी का हर एक भक्त जब सन 2018 में एंटर हुआ था, यानी जब उसने सोचा था कि 2019 में होने वाले बोर्ड्स में वो फोड़ देगा, आज कहीं ना कहीं दुविधा में है। आज ये सोच रहा है कि क्या सन 2018 के शुरू होते ही जो सपने देखे थे, क्या आज वो पूरे करने लायक बचे भी हैं। सबकी अपनी परेशानियां रही होंगी, किसी को समझ में नहीं आया होगा अकाउंट्स, किसी की 11th की मस्ती 12th में बर्बादी का कारण बन रही होगी, लेकिन क्या अभी भी वो वक्त है कि फरवरी के अंदर अंदर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके वो जो उम्मीदें सन 2018 में लगा के बैठे थे 2019 में उनको पूरा कर सकते हो। आज वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें खुद को प्रूफ करना है, ये चीज दिमाग में रख के चलनी है कि जो भी है वो ये फरवरी का मंथ ही है। फ्यूचर में क्या होगा, लाइफ में क्या करोगे, क्या फैक्टर्स होंगे जिससे तुम्हारा फ्यूचर या करियर डिसाइड होगा, बात 100% श्योर है कि वो 12th बोर्ड के मार्क्स से डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, मेरी ये बात काफी लोगों को कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकती है कि यार 12th बोर्ड ही दुनिया में सब कुछ है। ये आजकल के बहुत तमगे चल चुके हैं, बी योरसेल्फ, वर्क हार्ड और भगवान ना जाने क्या क्या। मैं तुम लोगों को ये सब कुछ भी नहीं बोलने वाला, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग ये सब फेक होता है। बी योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? बी योरसेल्फ, क्या तुम जिंदगी भर से खुद नहीं थे? क्या 12वीं शुरू होते ही तुम खुद नहीं थे? गलत, तुम हमेशा से जैसे हो वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हो, और अगर पछता रहे हो तो इसलिए नहीं पछता रहे कि यार तुम खुद जैसे थे वो गलत है। वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है यार कि कहीं ना कहीं जिस तरह की तुम्हारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से तुम सोचते हो, उस तरह से मे बी 12th का रिजल्ट नहीं बन सकता है। फिर उसके बाद बात आती है वर्क हार्ड की। यार अगर जिंदगी में है ना वर्क हार्ड सब कुछ होता तो जो कोल माइन में काम करने वाले लोग होते हैं या जो यार हार्ड वर्क डेली करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, देखा होगा आपने बेचारे लगे रहते हैं, वो दुनिया चला रहे होते, वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होते। वर्क हार्ड का कोई मतलब नहीं है जब तक वो स्मार्टली नहीं किया गया हो। तो याद रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जितना सही है द लास्ट पुश मेक्स यू विन द चेज, यानी वो आखिरी धक्का लगा दिया अगर आपने अपनी गाड़ी को फरवरी के मंथ में, तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ लाइनें सेट हैं, जो भी आप सोच के बैठे थे सन 2018 से 2019 के बोर्ड में करने के लिए। हिम्मत तुमसे है, हिम्मत तुम्हारे अंदर है, तुम्हें सोचना है कि तुम्हारी तैयारी कैसे हो सकती है। 20 days pledge जो आने वाला है वो अर्ली मॉर्निंग राइजर्स के लिए भी होगा, वो लेट नाइट पढ़ने वालों के लिए भी होगा, और जो शाम को कैजुअली पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए भी होगा। एक चीज मैं बता देता हूं, अगर 20 days pledge में आराम से बैठ के प्यार मोहब्बत से बैठ के पढ़ लिया तो मैंने पहले भी बोला है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज हार्डवर्क नहीं मांगते हैं, स्मार्ट वर्क मांगते हैं, और ये फरवरी का मंथ आपसे स्मार्ट वर्क ही मांगता है जो कि आप मेरे साथ करोगे 20 days प्लेज में। अभी जो मेरा टारगेट है वो ये समझाना है कि ये जो फरवरी का मंथ है इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, क्योंकि यहाँ पे बाबा जी आपके साथ है। मेक श्योर जब आप 20 days प्लेज में मेरे साथ पढ़ने बैठो तो आप एक चीज का ध्यान रखो, दैट दिस इज द फाइनल रन, आखिरी दौड़ है ये, इसमें खुद को नहीं छोड़ना है पीछे, इसमें पूरी ताकत लगा देनी है चाहे कुछ भी हो जाए। सारे शौक एक तरफ और फरवरी का मंथ आपका एक तरफ, से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने साल भर पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था। मेक श्योर आपका ये जो लास्ट पुश है आपकी पढ़ाई के लिए, ये एक महीने का, आप इसमें अपनी जी जान झोंक दो। क्या दिन, क्या रात, क्या सुबह, क्या शाम, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक काम करना है और वो ये है कि दिल लगा के पढ़ना है, कोशिश ये करना है कि जितना टाइम बैठ सकते हो उतना टाइम बैठो। मैं तो यहां तक कहता हूं अगर 24 घंटे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो तो वो भी चलेगा, लेकिन हार नहीं माननी है, ये एक महीने वर्थ इट करने हैं अपने लिए। मैं नहीं कह रहा आज अपने माँ बाप की उम्मीदों में दब जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आज के टाइम पे सोसाइटी क्या सोचती है इस बारे में सोचो, लेकिन ये चीज याद रखना, अगर जानबूझ के फेल हो गए तो खुद फेलियर कहलाओगे, और उस फेलियर के दाग से बुरा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अंदर से हम जानते हैं कि हमने कोशिश नहीं की, वरना अचीव तो हम बहुत कुछ सकते थे। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, भूल जाओ, कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जिससे तुम्हें ये लगे कि भाई ये कर लूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं करना है, इनको मिक्स करो, और यस वो स्मार्ट वर्क करो जो कि मैटर करता है। दिमाग में सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि भाई मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, और जिनको लगता है ना कि आखिरी महीने में मेहनत नहीं हो सकती वो सन 1990 में रह रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, आज का कम्युनिकेशन ऐसा है कि वो जो गैप हुआ करता था कि यार हाँ यार इतना करने पे ही इतना होता है, वो टाइम जा चुका है। आज
चीजें कम समय में की जा सकती हैं और हर एक टेक्नोलॉजी को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि काम करने के ड्यूरेशन को छोटा बनाया जा सके। तो अगर दिमाग में अभी भी बिठाए बैठे हो कि यार नहीं यार फरवरी मंथ बहुत कम है इसमें कैसे हो जाएगा, तो बिलीव मी जनरेशन ही वही है जो कि ज्यादा काम को कम टाइम में करना जानती है। सारी चीजें छोड़ दो, घर वाले ताने कस रहे छोड़ो सुनना, बाहर घूमने जाने नहीं मिल रहा छोड़ दो बाहर जाना, जो तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं कि तुम काम ऐसे क्यों कर रहे हो, मोबाइल पे कोई पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती, या फिर बैठने के लिए घंटों चाहिए हैं, या फिर रात को पढ़ाई नहीं होती, या फिर सुबह क्यों नहीं उठते हो, सब सुनना बंद कर दो एक महीने के लिए और अपने आप पे भरोसा रखो कि तुम जानते हो कि तुम कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और अगर थोड़ी भी आत्मा जाग चुकी है ना कि बहुत सारे दुख दर्द दुनिया में सबके लिए है, तुम्हें कुछ दुख दर्द अपने छोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल बहरा बनना पड़ेगा इस एक महीने के लिए और उस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी जिस तरह से तुम्हारा मन चाहता है, ना ही माँ बाप की खुशी के लिए, नहीं माँ बाप को अच्छा लगेगा मेरे को पढ़ते हुए देखेंगे, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं रात को जल्दी सो रहा हूँ, सब छोड़कर एक बार देखो और ये एक महीना अपने आप को देखो, तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए तुम वो अचीव कर पाओगे। और क्योंकि बाबा जी हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं स्पेशली फरवरी के मंथ में, और इसी चीज के लिए तुम्हारे जोश को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकतर लोग ये पर्टिकुलर वीडियो फोन पर देख रहे हैं, अगर तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखोगे नीचे तो तुम लोगों को कुछ उसमें वॉलपेपर्स मिलेंगे, जाओ उनको डाउनलोड करो और अपना वॉलपेपर तब तक बनाए रखना जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म नहीं होते, ताकि जब भी तुम अपना फोन अनलॉक करो तुम्हें पता चल जाए कि अब तो कसम खाली है, अब तो प्लेज ले लिया है, अब कुछ करके दिखाना है, ये बस आखिरी महीना है। अपने आप चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, उस वॉलपेपर को देख के अपने आप अंदर से मोटिवेटेड फील करने लगोगे और मुझे पूरा भरोसा है उस एनर्जी के साथ, उस एंथुजियाज्म के साथ वापस से पढ़ने बैठ जाओगे। और अगर तुम लोग मेरे साथ हो इन सारी बातों पे, तो मुझे आप 5th February को मिल रहे हो सबके सब 20 डेज प्लेज में, जिसकी नेक्स्ट वीडियो में टाइमिंग्स डिस्क्लोज होने वाली है। और वाकई में अगर सीरियस हो वाकई में, तो एक काम जरूर करना, यहां पर एक मेल आईडी आपके सामने फ्लैश हो रही है, एक छोटा सा वीडियो बनाओ 5 सेकंड का, उसमें सिर्फ आपको एक चीज बोलना है, बाबा जी आई टेक प्लेज, क्योंकि मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं 5th February से आ रहा है 20 डेज प्लेज, #ITakePledge।